Hello friend, today I am discuss that how to create student registration form in Java application. हमें क्या करना है, Swing application का basically यूज करके कैसे हमें student registration page यहाँ design करना है, इसके बारे में हम discuss कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो please like and subscribe कीजिए. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें क्या करना है. तो जैसे ये form हमने यहाँ पे एक design किया हुआ है, इस particular form के through हमें क्या करना है, इसका कोड डिज़ाइन करना है. तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म क्या किया है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है स्टूडेंट नेम. अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे सपोज शशि पास कर रहे हैं और यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे आपने हमने सपोज एक्स वाई जेड पास किया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी एक मोबाइल नंबर पास कर दे रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पास कर दे रहे हैं. अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक फील्ड फिल कर लीजिए. अब यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है 4 यहाँ पे मार्च. यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 2023. सेम यहाँ पे एड्रेस में पास किया हमने, यहाँ पे एड्रेस एक पास कर दिया दिल्ली. यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एड्रेस पास कर देंगे. जैसे हमने एड्रेस को पास किया, देन हमने यहाँ पे सबमिट फील्ड पे क्लिक किया. जैसे हमने सबमिट फील्ड पे क्लिक किया तो आपको हमें यहाँ पे नेम शशि, फादर्स नेम यहाँ पे एक्स वाई जेड, मोबाइल नंबर दिस और देन जेंडर और देन आपको डेट ऑफ बर्थ, देन आपको एड्रेस यहाँ फाइंड आउट हो रहा है. कैसे हो रहा है इसका, इस पर्टिकुलर कोड को आपको डिज़ाइन करना है. तो जैसे ये हमने ये कोड डिज़ाइन किया हुआ है, इस पर्टिकुलर कोड को अगर आप यहाँ पर रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर फील्ड है आपकी ये ब्लैंक हो जाएगी और जो ये रीसेट हो जाएगी. इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर कोड को डिज़ाइन करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कैसे हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करना है. अब इस पर्टिकुलर कोड को डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि अब यहाँ पे देखिए. तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास डिज़ाइन किया है. क्लास का नेम हम यहाँ पे क्या डिज़ाइन किया हुआ, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास रजिस्ट्रेशन टाइप का एक क्लास का यहाँ पे डिज़ाइन किया. आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन टाइप की एक क्लास डिज़ाइन कर लेना. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन डिफाइन करना है, क्योंकि जो भी आपका कोड है वो पर्टिकुलर कोड आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मेन फंक्शन डिज़ाइन कर लेना है. जैसे हमने मेन फंक्शन डिज़ाइन किया, देन अब आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फ्रेम टाइप की एक क्लास, अनदर क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है. इस पर्टिकुलर क्लास का नेम क्या है, फ्रेम. इस फ्रेम क्लास का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ. जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इस पर्टिकुलर जो आपकी फ्रेम क्लास है उस पर्टिकुलर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक फील्ड दिख रहा है कंस्ट्रक्टर का. तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है फ्रेम क्लास का, वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इनसाइड हमने कोड को डिजाइन कर रखा है. आप यहाँ पे फंक्शन पे भी डिफाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर क्लास यहाँ पे कोड को डिजाइन कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पे एक फ्रेम क्लास डिफाइन किया, फ्रेम क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर के इनसाइड कोड को डिजाइन किया है. अब हम यहाँ से फ्रेम यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास आपने अनदर क्लास डिजाइन किया, जिस पर्टिकुलर क्लास का नेम हमने फ्रेम रखा हुआ. इस पर्टिकुलर फ्रेम क्लास को हमने यहाँ पे जे फ्रेम क्लास से इनहेरिट किया. सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपने फ्रेम क्लास लिया है उस पर्टिकुलर क्लास को हमने जे फ्रेम क्लास से इनहेरिट किया और इम्प्लीमेंट किया एक्शन लिसनर, मतलब जो एक्शन लिसनर इंटरफेस है उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया. तो यहाँ पे आपको ये देखना है, क्लास टू क्लास यहाँ पे एक्सटेंड्स होते हैं और क्लास टू इंटरफेस आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से यूज किया हुआ है. तो अब एक्शन लिसनर का वर्क क्या है, एक्शन लिसनर आपका जो है एक्शन परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर इवेंट पे. तो अब आपको ये देखना है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहले हमने कुछ फील्ड यहाँ पे डिफाइन किया है. तो हमने यहाँ पे कंटेनर को कंटेनर टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट किया है और यहाँ पे जो हमने जे लेवल लिया है, हमने एक टाइटल लिया है, नेम लिया है, एफ नेम लिया है, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऐड और रीसेट, ये सभी हमने जे लेबल एक लेबल क्रिएट किया है ये स्विंग एप्लीकेशन में. और फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए हैं हमने, टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट डिफाइन किया हूँ. तो यहाँ पे हमने टी नेम, एफ नेम और टी एम एन, इस तरीके से हमने तीन टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे डिफाइन किया हूँ. और यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि टेक्स्ट फील्ड क्या है,
तो यहाँ पे ये देखना है, ये आपका ये जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में आएगा और यहाँ पे, और जो आपका लेबल है वो स्टूडेंट नेम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस कोड को डिज़ाइन किया हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ये देखना है, जैसे हमने यहाँ पे रेडियो बटन लिया है, जैसे हमने यहाँ पे मेल फीमेल ऑप्शन आपने वहाँ पे सेट किया था, तो उस पर्टिकुलर कोड को हमने यहाँ पे बटन रेडियो बटन यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, और फिर बटन ग्रुप यहाँ पे जो भी आपका रेडियो बटन है उस पर्टिकुलर बटन को हमने रेडियो ग्रुप में ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे कम्बो बाक्स हमने डेट मंथ और ईयर के लिए एक कम्बो बाक्स यहाँ पे अप्लाई किया है। कम्बो बाक्स मीन्स ये इस टाइप की अगर फील्ड दिख रही थी आपका कम्बो बाक्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड को डिज़ाइन किया हुआ है। और टेक्स्ट एरिया, हमने टेक्स्ट एरिया में ऐड टी आउट और टी ऐड, टेक्स्ट एरिया मीन्स क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ये आपका टेक्स्ट एरिया फील्ड है, ठीक है, जिसमें आपको टेक्स्ट को इनपुट करना है या फिर आउटपुट करना है। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ऐड किया है, और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे सबमिट और रीसेट के लिए हमने यहाँ पे बटन प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पे जो आपने बटन यूज किया है सबमिट और रीसेट के लिए, इस पर्टिकुलर बटन का क्या यूज है, जैसे इस पर्टिकुलर इवेंट को क्लिक करते हैं देन एक्शन परफॉर्म होगा आपका इस पर्टिकुलर क्लिक पे। तो इस तरीके से इस कोड को हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कॉम्पोनेंट देखा। अब हमने यहाँ पे जो डेट है, डेट टाइप का एक एरे डिफाइन किया, इस एरे कंपोनेंट में हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर दिया, जैसे यहाँ पे कुछ डेट्स हमने पास कर दिया। सेम इसी तरीके से मंथ फील्ड में हमने जनवरी फरवरी मार्च अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। देन सेम इसी तरीके से कुछ ईयर हमने यहाँ पे पास किया, 1991 to 2023 तक के लिए हमने यहाँ पे एक ईयर की डेट पास कर दिया। इस पर्टिकुलर कोड को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते रहना है। अब आपको यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका ये कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है। हमने जितने भी कंपोनेंट यूज किए थे वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आपको यहाँ आना है, जैसे वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे आप फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने मेन फंक्शन में बताया था, उस पर्टिकुलर क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं देन आपको ये पर्टिकुलर क्लास में भेज देगा। तो ये पर्टिकुलर क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रेम क्लास का, ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन होगा। जब ये रन होगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टाइटल सेट किया है, जिस पर्टिकुलर टाइटल का नाम दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर्टिकुलर टाइटल को आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का एक टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइटल को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये सेट बाउंड्रीज बाउंड्स है, सेट बाउंड्स जो यहाँ पे है क्या बाउंड्स है, 90 मतलब एक्स एक्सिस से 90 और वाई एक्सिस से 90, और इस फ्रेम की साइज है 1400 × 700। तो इस तरीके से ये फ्रेम डिज़ाइन हुआ है। तो ये जो आपका ये साइज है यहाँ पे लेफ्ट से आपका 90 और राइट से आपका 90 रिमूव करके ये पर्टिकुलर कोड आपका यहाँ पे फ्रेम बनेगी। अब जैसे ये फ्रेम बनती है देन यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे क्लोज ऑपरेशन, अगर ये पर्टिकुलर यहाँ पे डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन आपने जो लिखा है यहाँ पे एग्जिट ऑन क्लोज, अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो जो आपकी फ्रेम है वो क्लोज नहीं होगी, मतलब वो फ्रेम आपकी कम यहाँ पे बंद नहीं होगी, मतलब क्लोज नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे करना, फिर से सेट रिसाइजेबल फॉल्स इस तरीके से लिख देना है। देन कंटेनर में गेट कंटेनर फ्रेम का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे लेआउट सेट कर देना है नल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करेंगे तो आपका ये यहाँ पे टाइटल सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको लेबल तैयार करना है। लेबल मतलब मीन्स क्या है, जैसे आपने जो कोड डिजाइन किया था यहाँ पे जो आपने स्टूडेंट नेम डिफाइन किया है, इस नेम का एक लेबल तैयार करना है। इस लेबल को अब आपको यहाँ पे देखना है, तो हमने यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे लिख डिफाइन किया, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टाइटल का लेबल है, ये पर्टिकुलर लेबल को कैसे सेट करना है ये देखना है अब। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे टाइटल में हमने यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पास किया। अब यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे 30 की मतलब फॉन्ट की साइज जो भी है, और फिर सेट साइज मतलब 500 और यहाँ पे 35। ये आपका जो टाइटल जो लेबल है इसकी साइज हमने फिक्स कर दी, इस फ्रेम की विड्थ और हाइट हमने पास कर दिया 500 × 35। और यहाँ पे सेट लोकेशन मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस से 500 और वाई एक्सिस से 35 की दूरी पे ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस से 500 ये स्पेस है और यहाँ से 35 ये वाई एक्सिस से, और ये यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका डिफाइन हुआ है ये लेबल के थ्रू। अब सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम लेवल पर प्रोवाइड करना है। तो हमने यहाँ पे एक नेम टाइप की फील्ड में यहाँ पे लेवल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में उसके स्टूडेंट नेम, तो ये वैल्यू आपका वहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे हमने इसकी साइज फिक्स कर रखा है 200 × 20 का, और इसकी लोकेशन एक्स एक्सिस पे 200
और वाई एक्सेस से 100 दूरी पे लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है एक्स एक्सेस से यहाँ पे 200 और वाई एक्सेस से जो भी वैल्यू वहाँ पे दिया था उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा जाएगा। अब जैसे ये लिख जाता है देन यहाँ पे इस कंटेनर डॉट एड, उस पर्टिकुलर कंटेनर जो आपका फ्रेम है उस पर्टिकुलर फ्रेम में इस पर्टिकुलर नेम को हमने ऐड कर रखा है। तो जैसे ये नेम ऐड हो गया, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड मीन्स क्या हुआ, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को अब क्रिएट करना है। तो जैसे टेक्स्ट फील्ड को हमने क्रिएट किया तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट नेम, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेक्स्ट नेम टाइप का, तो टेक्स्ट नेम डॉट सेट फॉन्ट, इसका फॉन्ट का यहाँ पे नेम वगैरह आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, जो भी जैसे एरियल फॉर्म में हमें लिखना है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट्स के मतलब टाइप्स हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर देन टी डॉट नेम डॉट सेट साइज में आप यहाँ पे हमने इसकी साइज फिक्स कर रखा है जहाँ 390 × 20 मतलब इसकी जो लेंथ है, और यहाँ पे इसकी लोकेशन हमें सेट कर दिया 400 और 100, मतलब ये 400 पोजीशन पे है, ये 400 और 100 मतलब वाई एक्सिस पे है। इस तरीके से ये आपका फील्ड यहाँ पे सेट हो गई। सेम इसी तरीके से सेम या ऐसे ही हमने यहाँ पे एफ नेम को भी सेट किया है। सेट एफ नेम में हमने बस थोड़ी सी चेंजेस किया है, ये आपकी लोकेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे वाई एक्सिस को हमने 50 एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब 50 मतलब वाई एक्सिस को नीचे कर दिया। तो जैसे हम इनसाइड मतलब किया 50 को, तो ये आपका जो कोड है ये आपका 100 यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट थी आपकी 100 है, तो यहाँ पे 150 हो गए। तो 150 में हमने फादर्स नेम को यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, वही सेम कोड को। सेम इसी तरीके से इसके लिए भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे फील्ड डिफाइन किया। टेक्स्ट फील्ड में बस आपको यहाँ पे सेम लोकेशन को चेंज कर देना है और बाकी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस अप्लाई नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए, अब मोबाइल नंबर के लिए भी हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको सेम रहेगा और यहाँ पे वाई एक्सिस को हमने यहाँ पे 200 सेट कर रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस आपका सेम रहेगा और वाई एक्सिस को हमने 200 पे वैल्यू को सेट कर रखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के जो टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे सेट फॉन्ट में यहाँ पे इसका जो फॉन्ट का अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करेंगे और देन इस फ्रेम की साइज को सेट करेंगे और देन यहाँ पे 400 × 200 पे करके सेट किया, तो ये आपका जो मोबाइल नंबर है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है जेंडर के लिए, यहाँ थोड़ा सा अलग कोड है। तो अब जब जेंडर के लिए आप देखेंगे तो जेंडर आपको यहाँ पे तो लेबल है, लेबल कैसे आपने क्रिएट किया था वो आपने देखा ही है, तो यहाँ पे हमने लेबल का एक कोड डिज़ाइन किया और यहाँ पे फॉन्ट की साइज यहाँ पे एरियल और ये आपने वही सेम डिफाइन किया और यहाँ पे सेट साइज की एक फिक्स कर दिया और इसकी लोकेशन हमने 200 एक्स एक्सिस से और 250 हमने वाई एक्सिस से सेट कर दिया और यहाँ पे हमने कंटेनर में इस पर्टिकुलर फील्ड को ऐड कर दिया। अगर आप कंटेनर में इस पर्टिकुलर फील्ड को ऐड नहीं करते तो ये पर्टिकुलर फील्ड आपको शो नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, मेल, अब यहाँ पे हमने रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेडियो बटन हमने मेल पास कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्टेड कर दिया, ट्रू फॉर ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे इसकी साइज ले लिया और यहाँ पे भी इसकी लोकेशन हमने सेट कर दिया अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे लोकेशन अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन को सेट करना है। तो हमने यहाँ पे मेरे जो फ्रेम है उस पर्टिकुलर फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये लोकेशन को सेट किया, तो हमारे अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर फ्रेम बन रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना फ्रेम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे फीमेल फील्ड के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस से 400 प्रोवाइड किया था, तो हमने यहाँ पे फीमेल फील्ड को 475 किया, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये 400 पे यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका 475 पे शो हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने इस पर्टिकुलर बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बटन ग्रुप में हमें क्या किया, जो अपने यहाँ पे मेल फीमेल जो भी दोनों हमने फील्ड को ऐड कर दिया बटन ग्रुप में, मतलब बटन ग्रुप के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो फील्ड है वो मेल फील्ड है या फिर फीमेल फील्ड है। सेम इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ फील्ड को कैसे शो करना है इस तरीके से अब आपको देखना है। तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में लेबल तैयार किया और यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस तो 200 है, वाई एक्सिस हमने चेंज करके 300 कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ आप 250 ही रखते हैं तो ये ओवरराइड हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बार बार आपको यहाँ पे वाई एक्सिस को चेंज करते रहना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कम्बो बॉक्स तैयार करना है। कम्बो बॉक्स मीन्स क्या होता है, ये आपको कम्बो बॉक्स 1 जनवरी इस तरीके से शो होगा। अब इस पर्टिकुलर बॉक्स को कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले हमने कम्बो बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से डिफाइन है क्लास, तो उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब क्रिएट कर दिया। अब आप अपने क्या किया, सेट इसकी साइज सेट कर दिया, इसकी लोकेशन हमने सेट कर दिया। अब इस लोकेशन के
अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कंटेनर में डेट को ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से हमने मंथ के लिए यहाँ पे एक फील्ड तैयार किया, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू को थोड़ा सा स्लाइडली चेंज किया। यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने 400 प्रोवाइड किया था, तो यहाँ हमने 50 थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया, तो 450 पे वो शो होगा, और हमने यहाँ पे ईयर को 550 पे शो कर दिया। तो ऐसे स्लाइडली हमने चेंज करके इस पर्टिकुलर पेज को यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, 400, 450 और ये 520। तो यहाँ पे इस तरीके से लोकेशन हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐड कर देना है कंटेनर में, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फिर से एक जे लेबल तैयार किया एड्रेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक एड्रेस फील्ड दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लेबल हमने तैयार कर रखा है और यहाँ पे इस लेबल के लिए एक टेक्स्ट एरिया तैयार कर रखा है। तो अब हमने क्या किया, एक लेबल तैयार किया, तो लेबल की यहाँ पे बस हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस तो आपका सेम रहेगा जो लेबल आप डिफाइन कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया 350। यहाँ पे इसकी साइज हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया 200x20। इस पर्टिकुलर जो लेबल है इसकी साइज हमने फिक्स कर रखा और इसको हमने कंटेनर में ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट एरिया में भी हमने यहाँ पे सेट फॉन्ट यहाँ पे तैयार कर रखा है और यहाँ पे भी इसकी लोकेशन यहाँ पे हमने सेट कर रखा है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आपने यहाँ पे सबमिट बटन, अब ये बटन हमने क्रिएट कर रहे हैं। बटन के लिए आपके यहाँ पे जे बटन सब इक्वल टू न्यू जे बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसमें हमने प्रोवाइड किया सबमिट। हमने वहाँ पे क्या लिखा, सबमिट। अब सबमिट में आप इसकी साइज ले लिया 100x20, जो 100x20 यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो ये 100x20 मतलब ये इसकी साइज है, बटन की साइज 100x20 की है, और ये भी आपका 100x20 की हमने एक साइज क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन की हम एक साइज यहाँ पे फिक्स करेंगे 100x20 की। तो अब इस यहाँ पे हमने एक साइज फिक्स कर रखा, अब इसकी लोकेशन भी हमने सेट कर दी। यहाँ पे जो बटन है ये 450 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 450 यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना है। सेम इसी तरीके से अब हमने रीसेट बटन के लिए क्या किया, यहाँ पे रीसेट बटन के लिए हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया और बटन की यहाँ पे जो लोकेशन है वो थोड़ी सी स्लाइडली चेंज कर दिया, 570 और 450 आपका वाई एक्सिस पे सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने बटन को भी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है हमने जो ये दोनों बटन क्रिएट किया है यहाँ पे दोनों में हमने एक्शन लिसनर परफॉर्म किया है, मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट पे हमारा ये जैसे इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन क्या परफॉर्म होगा भी हम बताएंगे, तो उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करना है ताकि उस बटन के थ्रू एक्टिविटी प्रोवाइड हो। तो सेम हमने इस दोनों बटन में यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रखा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया और क्रिएट किया हूँ जिसकी साइज है 900x100। ये पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया, ये जो ये एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू हम यहाँ पे आउटपुट को शो करें, अपने रिजल्ट को शो करेंगे कि पेज हमारा सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, और जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी साइज 300x200 डिजाइन किया, इसकी लोकेशन एक्स एक्सिस पे 900 और वाई एक्सिस से 100 दूरी पे यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे 900 और वाई एक्सिस पे यहाँ पे 100 पे डिफाइन है। इस पर्टिकुलर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को हमने क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे एक लेबल हम तैयार कर रहे हैं, ब्लैंक लेबल है जिसमें कोई भी हमने नेम प्रोवाइड नहीं किया है, रीसेट टाइप का, और यहाँ पे हमने रीसेट के लिए एक टेक्स्ट एरिया किया है ताकि जो ये फील्ड है वो हमारी फील्ड रीसेट हो जाए, और रीसेट होके मतलब हमारा जो ये फील्ड है वो ब्लैंक हो जाए। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे डिजाइन कर रखा। अब यहाँ पे विजिबिलिटी हमने ट्रू कर दी ताकि हमारा ये कोड जो है विजिबल होता रहे। अब जैसे आपने वहाँ पे ऐड एक्शन लिस्टनर किया था, तो ऐड एक्शन परफॉर्म किया था, तो जैसे एक्शन परफॉर्म होगा मतलब एक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिनट, ऐड एक्शन लिस्टनर जो आपका कॉल होगा तो ये सबसे पहले कहाँ पे आएगा, एक्शन परफॉर्म टाइप का ये फंक्शन पे वर्क करेगा और यहाँ पे एक्शन इवेंट आपका ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका सोर्स है अगर वो सबमिट बटन को क्लिक कर रहा है तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड होगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो रीसेट ऑप्शन के लिए हमने कर रखा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो डेटा वेरिएबल के इनसाइड हमने नेम को यहाँ पे नेम मैसेज शो किया, और टेक्स्ट फील्ड में जो आपका डेटा था, जो आपने नेम को फील्ड को ऐड किया था गेट टेक्स्ट, उस पर्टिकुलर डेटा को हमने इस पर्टिकुलर डेटा में ऐड कर लिया और लाइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे स्लैश एन के थ्रू लाइन को हमने चेंज कर रखा। सेम हमने फादर्स नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया और यहाँ पे फादर नेम की फील्ड वैल्यू को यहाँ पे रीड किया और यहाँ पे लाइन को चेंज कर दिया। सेम इसी तरीके से हमने मोबाइल नंबर को यहाँ पे रीड कर लिया और रीड करके लाइन को चेंज कर लिया। जैसे हमारा लाइन ये चेंज हो जाता है, देन हम अब यहाँ पे मेल फील्ड पे आते हैं। अगर मेल जो आपने क्लिक किया है, मेल डॉट इज सेलेक्टेड करके अगर सेलेक्ट होता है मेल,
तो ये यहाँ पे जेंडर में मेल ऐड हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटा वन में फीमेल ऐड हो जाएगा जेंडर में। सेम इसी तरीके से डेट टू टाइप के वेरिएबल हमने डेटा बर्थ ऐड किया हुआ, तो यहाँ पे डी ओ बी मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे डेट ऑप्शन में आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 5, तो ये मंथ आपका 5 सेलेक्ट हो गया। अगर आपने मे किया तो मे ऐड हो गया, यहाँ पे ईयर आपने 94 किया। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो ऐड करेंगे वो पर्टिकुलर फील्ड, ये तीनों फील्ड में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल डेटा टू है उसमें स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने डेटा थ्री में जो भी एड्रेस एक मैसेज दिया, और यहाँ पे जो टी ऐड नाम का यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है उसके जो टेक्स्ट है उसको हमने गेट कर लिया। मतलब कहने का मतलब ये जो आपने टेक्स्ट एरिया डिफाइन किया हुआ है, इस टेक्स्ट एरिया में जो भी वैल्यू फील्ड प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को आपको यहाँ पे रीड करके स्टोर कर लेना है। अब आपको यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेट टेक्स्ट में डेटा हमने यहाँ पे टी आउट नाम के जो फील्ड आपने, टी आउट मींस क्या है, टी आउट मींस ये जो आपका फ्रेम है, इस पर्टिकुलर फ्रेम में अब हमें कुछ डेटा को लिखना है। तो लिखना है तो हमने क्या लिखा, पहले हमने डेटा फील्ड को ऐड कर दिया, फिर डेटा वन को ऐड कर दिया, फिर डेटा टू, मतलब डेटा में आपका यहाँ पे डेटा फील्ड में क्या क्या स्टोर है, नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर। और जो डेटा वन में आपका क्या स्टोर है, रेडियो बटन के थ्रू यहाँ पे मेल फीमेल में से कोई एक ऐड होगा। डेटा टू में आपका यहाँ पे जेंडर, डेटा टू में यहाँ पे आपका डेटा बर्थ ऐड है, और डेटा थ्री में आपका एड्रेस स्टोर है। ये तीनों फील्ड को हमने सेट टेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। जैसे ये पेज को आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना, अगर सपोज आपने रीसेट बटन पे क्लिक किया, कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ फील्ड आ गई है और उस फील्ड को आपको रीसेट करना, मतलब फिर से ये पेज को ब्लैंक करना, जैसे हमने ये रीसेट किया तो ये पेज ब्लैंक होकर फिर से रीसेट हो गया। अब इस पर्टिकुलर पेज को अगर रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए हमने यहाँ पे अगर सोर्स में आपको रीसेट मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने डेफ की वैल्यू ब्लैंक कर रखा है, और सभी टेक्स्ट में यहाँ पे नेम में हमने ब्लैंक ऐड कर दिया, एड्रेस में हमने ब्लैंक ऐड कर दिया, मतलब ऐड टाइप का जो फील्ड थी आपकी, एफ नेम में भी हमने डिफॉल्ट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे करके हमने टेक्स्ट मतलब ऐड करते करते फ्रेम में सभी वैल्यू को हमने यहाँ पे ब्लैंक को फील्ड कर दिया, और यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स 0 0 0 करके ऐसे हमने सेट कर दिया। मतलब कहने का मतलब जो डेट है, डेट में जो इंडेक्स 0 है, 0 की वैल्यू आपकी जो स्टार्टिंग में आपने जो भी फील्ड प्रोवाइड किया है यहाँ पे वही फील्ड आपका यहाँ पे स्टोर होगा। इस तरीके से इस पूरे पूरे डेटा को हमने यहाँ पे कोड में यहाँ पे ऐड कर रखा है। जैसे ये पर्टिकुलर इस तरीके से कोड आप डिज़ाइन कर लेते हैं, देन आपका ये पर्टिकुलर कोड कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट हो जाता है देन इस पर्टिकुलर कोड को अगर आप रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके रन एज ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से आपका फ्रेम वहाँ पे ओपन हो जाता है। जब पेज ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करना है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए नेम प्रोवाइड कर दिया कोडर वन, इस तरीके से हमने एक नेम प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे फादर्स नेम है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दिया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर में हमने यहाँ पे कुछ फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो 99 ऐसे करके कोई भी एक फील्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और फिर हमने यहाँ पे मेल फीमेल कर दीजिएगा और यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। हमने एक डेटा यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा सेट कर दिया और एड्रेस में हमने डाल दिया मान लीजिए डेली। जैसे हमने डेली यहाँ पे फिल किया और यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डेटा ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डेटा शो हो जाएगा, और ये डेटा अगर शो हो जाता तो ये आपका पेज कम्प्लीटली रेडी है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर पेज को आपको डिज़ाइन करना था, और फिर जैसे हमने रीसेट ऑप्शन पर क्लिक किया ये पेज आपका फिर से ब्लैंक हो गया। तो इस पर्टिकुलर कोड को हमने स्टेप बाई स्टेप कैसे डिस्कस किया, मतलब कैसे डिफाइन किया था, कैसे इस कोड को डिज़ाइन करना है, हमने कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर किया। ऐसे ही हम और भी वीडियो आपको यहाँ पे लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।